आइए जानते हैं कि अपने चैनल को कस्टमाइज कैसे करते हैं। डेस्कटॉप पर यूट्यूब स्टूडियो का कस्टमाइजेशन पेज होता है, उस पर जाकर अपने चैनल की ब्रांडिंग को अपडेट किया जा सकता है, जैसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर, बैनर और चैनल हैंडल को। यहीं से अपने चैनल की बेसिक जानकारी भी अपडेट की जा सकती है। यहाँ आपको चैनल के होम पेज का लेआउट कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन मिलता है। इतना ही नहीं, यहाँ चैनल के लिए ट्रेलर सेट किया जा सकता है और कंटेंट को अलग अलग सेक्शन में ऑर्गेनाइज भी किया जा सकता है। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफाइल टैब की, जिससे अपने चैनल के ब्रांडिंग एलिमेंट्स को जोड़ा जा सकता है, जैसे कि बैनर इमेज और प्रोफाइल पिक्चर को। बैनर इमेजेस उन इमेजेस को कहते हैं जो व्यूअर्स को सभी डिवाइसेस में आपके चैनल पर सबसे ऊपर दिखती हैं। हम चाहते हैं कि आपकी बैनर इमेजेस सभी डिवाइसेस पर साफ साफ और शानदार दिखें। इसलिए हम सुझाव देंगे कि कम से कम 2048x1152 पिक्सल्स की इमेज का इस्तेमाल करें, और हाँ, इनका साइज 6 MB या इससे कम हो। अब बात करती हैं आपकी प्रोफाइल पिक्चर की, जो आपके चैनल पेज पर दिखती है। ये पिक्चर आपके वीडियोस और कमेंट्स के बगल में भी दिखती है। इसके लिए 4 MB या इससे कम साइज वाली पिक्चर का इस्तेमाल करें। हमारी माने तो 800x800 पिक्सल्स रेजोल्यूशन वाली इमेज ही अपलोड करें। इससे आपकी प्रोफाइल पिक्चर हर डिवाइस पर बेस्ट क्वालिटी में दिखेगी। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर और बैनर इमेज YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से हों। अब अपने चैनल और हैंडल का नाम अपडेट किया जा सकता है। आप चाहें तो एक डिस्क्रिप्शन भी जोड़ें। चैनल का डिस्क्रिप्शन दूसरी भाषाओं में भी ऐड किया जा सकता है। यहाँ अपने चैनल से जुड़े URLs भी एक्सेस किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ आपको काम की कुछ एक्सटर्नल लिंक्स ऐड करने का ऑप्शन भी मिलेगा, जो आपके चैनल प्रोफाइल और अबाउट पेज पर दिखेंगी। इसके अलावा कोई ईमेल एड्रेस भी जोड़ा जा सकता है। ध्यान रखें कि ये जानकारी व्यूअर्स को आपके चैनल के अबाउट सेक्शन में दिखेगी। और अब आखिर में बात करते हैं कस्टम वीडियो वॉटरमार्क जोड़ने की, जो आपके वीडियोस के कॉर्नर में दिखता है। ये तय करना आपके हाथ में ही होता है कि आपका वॉटरमार्क वीडियो में कब दिखे। जब आप सारे चेंजेस कर लें तो पब्लिश करें पर क्लिक करें। चलिए अब होम टैब के बारे में बात करते हैं। इस टैब से काफी कुछ बदला जा सकता है। फिर बात चाहे लैंडिंग पेज बदलने की हो, या फिर ये तय करने की कि व्यूअर को आपके चैनल पर कौन सा कंटेंट दिखे, होम टैब को टॉगल के जरिए कभी भी चालू या बंद किया जा सकता है। लेआउट में जाकर होम टैब को कस्टमाइज किया जा सकता है। यहाँ 12 सेक्शंस जोड़े जा सकते हैं। इसके लिए सेक्शन जोड़े पर क्लिक करें। यहाँ कुछ सेक्शंस दिए गए हैं जिन्हें अपने चैनल पर जोड़ा जा सकता है। इनसे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि इन सेक्शंस में क्या क्या जोड़ा जा सकता है। चैनल ट्रेलर, ये उन लोगों को दिखता है जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल ट्रेलर एक क्विक वीडियो की तरह होता है। इसमें हाईलाइट करके बताया जा सकता है कि आपके चैनल पर किस तरह का कंटेंट अपलोड होता है और व्यूअर्स आपके चैनल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे व्यूअर्स को अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें। स्पॉटलाइट वीडियो, ये वीडियो सिर्फ आपके सब्सक्राइबर्स को दिखता है। इस वीडियो को किसी भी समय बदला जा सकता है। ऐसा करने के लिए बस 3-डॉट मेन्यू पर क्लिक करें। आपके लिए शेल्फ, YouTube इस शेल्फ में व्यूअर्स की पसंद के हिसाब से फ्रेश कंटेंट दिखाता है। ये सेक्शन आपके व्यूअर्स को सिर्फ तब दिखता है जब आपके चैनल पर भरपूर कंटेंट होता है। आपके पास वीडियोस, पॉपुलर वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स के लिए कंटेंट सेक्शंस जोड़ने का ऑप्शन भी होता है। अब आपको जैसा ठीक लगे, आप चाहें तो एक प्लेलिस्ट जोड़ें, एक से ज्यादा जोड़ लें, या फिर मेंबर्स ओनली वीडियो सेक्शन जोड़ें। एक और बात, सब्सक्रिप्शंस, दूसरे चैनल्स और टॉप कम्युनिटी क्लिप्स को हाईलाइट करने के लिए भी सेक्शन जोड़े जा सकते हैं। अपनी पसंद से सेक्शंस जोड़ने के बाद उन्हें क्लिक और ड्रैग करके उनका ऑर्डर बदला जा सकता है। किसी सेक्शन को एडिट या डिलीट करने के लिए 3-डॉट मेन्यू पर क्लिक करें। ये सब करने के बाद पब्लिश करें पर क्लिक कर दें। अपनी चैनल को कस्टमाइज करने से जुड़ी ज्यादा जानकारी और शानदार टिप्स पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।